नमस्कार, मैं हूं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ हंटर्स। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, क्योंकि लगातार ब्लड प्रेशर और मधुमेह के मरीज बढ़ रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं आज के युवा। ब्लड प्रेशर और मधुमेह की जांच के एक शिविर में डॉक्टर ने खुलासा किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जांच के दौरान 2 से 3% मरीज बीपी और शुगर के हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अगर शहर की बात करें तो शहरी क्षेत्र में ये 15 से 20% मरीज बीपी और मधुमेह के हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा आखिर शहरी क्षेत्र में ही बीपी और शुगर के मरीज क्यों मिल रहे हैं? आखिर क्या है इसका आसान इलाज, क्योंकि जरा सी लापरवाही हमारी जान ले सकती है। देखिए हमारी खासियत। ब्लड प्रेशर और मधुमेह के बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए विवेकानंद केंद्र समर्पण एवं सेवा संकल्प संस्था के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टरों की टीम ब्लड प्रेशर और मधुमेह की जांच कर रही है। वहीं आज बीना रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया। शिविर में डॉक्टर भरत पमनानी, डॉक्टर आशीष तिवारी, वार्ड बॉय कमल रजक एवं मेहरवान कुशवाहा पहुँचे, जिसमें बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों, पुलिस जवानों एवं यात्रियों के बीपी और मधुमेह की जांच की गई। डॉक्टर आशीष तिवारी ने बताया कि उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में भी शिविर लगाए गए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में बीपी और मधुमेह के मरीज ज्यादा हैं, जिसमें युवाओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा व किसान शुद्ध खानपान के साथ मेहनत करते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के युवा फास्ट फूड एवं मैदे की बनी खानपान की वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और पैदल चलना, मेहनत करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से युवा प्राण घातक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। और यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में बीपी और मधुमेह के मरीज ज्यादा हैं। डॉक्टर ने लोगों से 3 से 4 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलने की सलाह दी है, जिससे कई बीमारियों से बचा जा सकता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत व्यवस्थित हैं लोग, समय से खा रहे, पी रहे, काम कर रहे, मेहनत कर रहे, दूसरी चीज़ों से दूर है। शहर के युवा जो है वो एक तो कोई काम नहीं कर रहे, खा रहे गड़बड़ चीज़ें, खा रहे फास्ट फूड, खा रहे कोई मेहनत का काम नहीं कर रहे। आज हम देखते हैं कि नए युवा लोगों में हार्ट की परेशानियां बहुत हैं। आप अभी देख रहे होंगे वर्तमान में बहुत नए नए लोगों को अटैक आ रहे हैं नई उम्र में। उसका मेन कारण है कि मैदा की चीज़ें, फास्ट फूड खा रहे ज़्यादा, मेहनत कुछ कर नहीं रहे, मेहनत नहीं कर रहे, गड़बड़ उनका आहार है, समस्याएं बढ़ रही, उनका शुगर बढ़ रहा, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत व्यवस्थित हैं लोग, समय से उठ रहे, समय से खा रहे, समय से सब काम कर रहे, आराम से आराम भी कर रहे हैं और समय से सो रहे, समय से उठ रहे। शहरों में ये कोई व्यवस्था नहीं है, इस वजह से शहर के लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं, शुगर ज़्यादा पेशेंट के लोगों को शुगर बढ़ रही है और ब्लड प्रेशर भी उनको हो रहा है, हार्ट की परेशानियां बढ़ रही हैं। ये मेन कारण है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो आहार और व्यवहार जो है वो व्यवस्थित नहीं है शहर में। ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो करीब 2 से 3% लोगों को शुगर या ब्लड प्रेशर है, शहरी क्षेत्र में 10 से 15%, करीब करीब 20 भी हो जाता कहीं कहीं एरिया में। तो मेन कारण है लोग थोड़ा खान पान व्यवस्थित करें, अच्छी चीजें खाएं, मेहनत करें, पैदल चलें। अगर आदमी 3 से 4 किलोमीटर रोज पैदल चल ले तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएगा वो। सिर्फ 4 किलोमीटर उसके लिए उसको जीवन, उसका हार्ट जीवन भर चलता रहेगा बिल्कुल बिना कोई परेशानी के।